अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 के पार्ट दूसरा जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स। फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स, दिस केबल्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग वीडियोस डाटा एंड वॉइस। ठीक है, ये केबल जो है वो यूज़ होते हैं हमारी डाटास, वॉइस, वीडियोस वगैरह को बेचने के लिए। ठीक है, ट्रांसमिट बेचने के लिए किसी दूसरे नेटवर्क, किसी दूसरे कंप्यूटर को, ठीक है, बेचने के लिए, शेयर करने के लिए। देयर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज़ हायर एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ कोएक्सियल केबल। ये जो फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स की जो कैपेसिटी है वो कोएक्सियल केबल से ज़्यादा हायर होता है। फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स आर फ्री फ्रॉम नॉइस एंड इंटरफेरेंस। ये नॉइस, इसकी नॉइस जो है वो फ्री है, फ्री ऑफ इंटर फ्री 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 फ्रॉम नॉइस एंड इंटरफेरेंस है। ठीक है, दिस केबल्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ग्लासेस सराउंडेड बाई सर्वेवर लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स। और ये केबल जो है वो उनकी मटेरियल्स के जो आसपास जो चीज़ें हैं उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके जो आसपास की जो मटेरियल्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। देयर एक्शन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वी कैन यूज़ लाइट ऑफ ट्रांसमिट रिसीव इंफॉर्मेशन। और इसकी जो एक्शन जो है वो उसके प्रिंसिपल के बेस पे जो कि जैसे कि हमें लाइट लाइट के लिए यूज़ करते हैं, और ये ट्रांसमिट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, सम अदर डिवाइसेस सच एज नेटवर्क एडेप्टर्स, रिपीटर्स, ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ अदर्स जो बाकी जो डिवाइसेस के नेटवर्क से जैसे कि अडेप्टर, रिपीटर वगैरह जो है उनसे हम कुछ ट्रांसमीटर्स जो है रिसीव करते हैं। ठीक है, उन उनसे भेजे हुए चीज़ों को हम रिसीव करते हैं। ठीक है, इनके थ्रू द प्रोपोगेट सिंगल्स अक्रॉस द रिसीव सिंगल्स एट द अदर एंड ऑफ द नेटवर्क आर आल्सो यूज। और ये जो है वो एक सिंगल सिग्नल जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, रिसीव करते हैं, जैसे कि बाकी जो नेटवर्क से भेजी हुई चीज़ों के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फैब्रिक केबल जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उनसे भेजी हुई इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये फैब्रिक ऑप्टिक केबल जो है वो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे फैब्रिक ऑप्टिक कनेक्टर है। ठीक है, इसके कुछ कनेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि यूज़ होता है फैब्रिक, किसके साथ यूज़ होता है फैब्रिक ऑप्टिक केबल, एसटी कनेक्टर। ठीक है, और इसकी शेप जो है वो बैरल है। एन्यूअर कनेक्टर दस SC इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इट हैज़ स्क्वेरी फेस में एन एज टू कनेक्टेड द कॉन्फ्रेंस स्पेस। ठीक है, ये है फैब्रिक ऑप्टिक कनेक्टर्स, इस तरह के होते हैं। अब लैंड कार्ड यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जो कि अटैच होता है हमारे मदरबोर्ड, कंप्यूटर की मदरबोर्ड के साथ। ठीक है, हब इस तरह के होते हैं। ठीक है, हब इज सेंट्रल, ये एक जैसे कि हमारे कंप्यूटर की नेटवर्क्स को, बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद सेंट्रल स्लॉट एंड अटैच फॉर कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर सर्वर्स। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं टू द सर्वर्स थ्रू। आई हैव अटैच आप 24 कंप्यूटर्स, हब के साथ हम 24 कंप्यूटर्स जो है वो अटैच कर सकते हैं हब। ठीक है, केबल्स को 24 कंप्यूटर्स के केबल्स को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये अगर इट हैज़ इफ़ ए नेटवर्क हैज़ मोर देन 24, अगर नेटवर्क जो है वो 24 से ज़्यादा है तो इट कैन यूज़ 2 और मोर हब्स। इसमें सिर्फ हम दो से ज़्यादा जो है
टू आवर मोर, दो से ज़्यादा जो हब जो है वो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये है। ठीक है, अब मॉडम, मॉडम जो है वो इस तरह से होता है। मॉडम जो है वो कनेक्टर ऑफ कंप्यूटर टू द सर्वर है। एक डिफरेंट जगह से, जब डिफरेंट प्लेसेस यूजिंग द टेलीफोन लाइन, कुछ अलग कुछ जगहों पे ये टेलीफोन लाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ मॉडम इज़ द इंटरनेट। ठीक है, एग्जांपल ले लो कि ये मॉडम जो है वो इंटरनेट कनेक्टर्स की तरह होता है। जैसे कि हम लोगों के घर में वाईफाई का जो कनेक्टर होता है उसकी तरह होता है। ठीक है, जिससे नेट जो है वो कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस है। स्पीड, स्पीड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी फाइल्स को, डाटास को जो है वो जल्दी भेजने के लिए हमें आसानी हो जाता है। ठीक है, और ये हमें प्रिंट आउट डिवाइसेस से जो कॉपी है उनको प्रिंट आउट करने के लिए भी जल्दी होता है। ठीक है, स्पीड। अब कॉस्ट, कॉस्ट जिससे कि हमें नेटवर्क, नेटवर्क केबल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि अवेलेबल होता है एट कंसिडरेबल प्राइस पे, अलोन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इट इज़ ए नेटवर्क पासवर्ड। एक नेटवर्क एक पासवर्ड होता है। जैसे कि हम लोगों के घर में एक वाईफाई होता है, वाईफाई का कुछ पासवर्ड होता है। जैसे कि आपको अपने मोबाइल के साथ जो वाईफाई जो है वो कनेक्ट करना हो तो आपको उस वाईफाई का पासवर्ड जो है वो लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप जब पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल में उस वाईफाई का पासवर्ड लगाते हो, फिर वो जाके वाईफाई के साथ प्रोसेस होने के बाद अगर वो पासवर्ड सही है तो वो कनेक्ट होता है, अगर सही नहीं है तो वो एरर दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया सिक्योरिटी, जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल का सिक्योरिटी रखते हो या लैपटॉप का, कंप्यूटर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं सारे, ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन ए कंप्यूटर। जैसे कि हर सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में लोडेड होता है, द फाइल सर्वर्स। ठीक है, दिस सेव द कॉस्ट एंड लिमिट्स। ये जो है वो लिमिट्स में होता है, लिमिट्स में ज़रूरत होता है। द नीड्स टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी, ये उस अपनी हिसाब से जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें मैनेज करते हैं, उसमें इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें मोबाइल में जो है उसको अपनी हिसाब से ही वहाँ पर डाउनलोड फाइल्स वीडियोस वगैरह रखते हैं। अगर उसमें ज़्यादा जो है और आप वहाँ पे चीज़ें डालोगे तो वहाँ पे इनसफिशिएंट स्पेस या कुछ दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह से भी ये कंप्यूटर पे भी, अगर ये कंप्यूटर जो, ये सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर की कैपेसिटी उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो है वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे मैनेज करते हैं। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग, जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो किसी को शेयर करते हैं तो वो अपनी अपनी लिमिट के हिसाब से वो शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेज़र प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स वगैरह जो है वो हर कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट नहीं कर सकता है, प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कंप्यूटर में अगर ये सारा जो है वो लगाएगी तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। दो नेटवर्क दैट कैन बी शेयर बाय मेनी यूज़र्स, नेटवर्क यूज़र्स जो है वो अपनी हिसाब से ही उनको रखते हैं। ठीक है, लेज़र प्रिंटर मशीन वगैरह, देखो जैसे कि आपके स्कूल में या किसी ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स होगा तो उनके साथ हर चीज़ जो है वो तो लगा नहीं सकता है, लेज़र प्रिंटर, फैक्स मशीन वो सारा लगाएगा तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो वो लोग एक ही रखते हैं। ठीक है, अपनी यूजेस के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल एसेस, जैसे कि नेटवर्क अलाउ यूज़र टू एसेस देयर फाइल्स टू कंप्यूटर थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, यूज़र्स जो है ये अलाउ करते हैं यूज़र्स को, जैसे कि उसको अपना फाइल जो है कंप्यूटर के थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजना हो तो उसके लिए जो है आसानी हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर डिसएडवांटेजेस, अब उसके नुकसान क्या है। ठीक है, ऑल दो ए नेटवर्क जनरली सेव मनी आवर टाइम, नेटवर्क जो है वो जनरली जो पैसा जो है
ओवर टाइम जो है वो सेव करते हैं, बट केबल नेटवर्क कार्ड्स एंड सॉफ्टवेयर आर एक्सपेंसिव, पर ये सारे जो है वो एक्सपेंसिव होता है, नेटवर्क कार्ड्स सॉफ्टवेयर वगैरह, एंड द इंस्टॉलेशन में रिक्वायर द सर्विस ऑफ द टेक्निकन्स, और ये जो उसमें जो इंस्टॉल होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से द सर्विस ऑफ टेक्निकन्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम, प्रॉपर मेंटेनेंस, ठीक है, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करना ऑफ ए नेटवर्क, रिक्वायर्ड नेटवर्क की रिक्वायरिंग के हिसाब से टाइम एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, फाइल सर्वो मे फाइल, ठीक है, फाइल जो है वो नो मोर एक्सेप्टेबल, कभी कभार जो है वो ये फाइल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फाइलर दिखाते हैं एनी अदर कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटर्स में, व्हेन द फाइल सर्वर गोज डन, वहाँ पे फाइल सर्वर जो है वहाँ पे डाउन होता है, द एंटर नेटवर्क में कम टू हेल्प। ठीक है, ये हुआ डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तक रखेंगे हम आज के टॉपिक, कल हम टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।